बैंकिंग एस्पायरेंट्स, IBPS एक नया रूल अब इम्प्लीमेंट करने जा रहा है आने वाले दिनों में, शायद मे भी इसी जो आपका CRP आया है इसमें इम्प्लीमेंट कर देगा 2024 के CRP में। बेसिकली नया रूल जो है वो रूल ऑलरेडी IBPS अप्लाई कर रहा है लेकिन RRBs में नहीं कर रहा, और वो रूल है कि वो आपको सेक्शनल टाइमिंग देने जा रहा है अपने पेपर्स में, चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस हो। अब सवाल ये है कि जो IBPS ये चेंज करने जा रहा है RRB एग्ज़ाम्स के लिए सेक्शनल टाइमिंग देने जा रहा है, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? देखिए, उससे फ़र्क सीधा सीधा यहाँ पर ये पड़ेगा कि अब IBPS RRB एग्ज़ाम्स के केस में ज़्यादा डिमांडिंग होने जा रहा है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनको कैंडिडेट्स चाहिए वो उनको और ज़्यादा शार्प, और ज़्यादा फास्ट, और ज़्यादा कैलकुलेटिव चाहिए। वो कैसे कैंडिडेट्स? वो ऐसे कि पेपर सेटर्स जो हैं IBPS के, या जो पेपर आएगा आपको अब RRB एग्ज़ाम्स के लिए, उसको इस तरह से सेट किया जाएगा कि कैंडिडेट्स को के कैलिबर को चेक करने के लिए उसको ड्यू टाइम फ्रेम में उसको चेक किया जाएगा कि वो कितना काबिल है। ऐसे केसेस में जो सबसे टॉप पर कैंडिडेट्स होंगे वो ही आगे आएंगे। मतलब मैं इस बात से नहीं समझता कि इससे कट ऑफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कट ऑफ पर फ़र्क तभी पड़ता है जब कैंडिडेट्स काबिल नहीं मिलते। अगर पेपर टफ भी आ गया तो भी अगर काबिल कैंडिडेट्स मिल गए हैं तो आप मान के चलिएगा कि कट ऑफ नहीं गिरेगी या कंपैरेटिवली कम गिरेगी। लेकिन अगर पेपर इजी आ गया और कैंडिडेट्स की भरमार है, और काबिल कैंडिडेट्स की भरमार है, तो कट ऑफ 100/100 जाएगी। तो कट ऑफ का संबंध जो है वो पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल से है, और पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का सीधा संबंध कैंडिडेट्स के कैलिबर से है या उनकी काबिलियत से है। और यहाँ पर ज़्यादा काबिल कैंडिडेट्स को चुनने के लिए RRB जो है वो इस नए रूल को अप्लाई करने जा रहा है, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग दे रहा है कि आपको इसी ड्यू टाइम फ्रेम में क्वांट सॉल्व करना होगा और इसी ड्यू टाइम फ्रेम में आपको LR या लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करनी होगी। तो कैंडिडेट्स, आप ये मान के चलिए अब कि चाहे कट ऑफ्स पहले हाई जाती थी, इट इज़ ओके, लेकिन अब अगर ये रूल नया आ रहा है तो आप इस बात को मानिएगा कि जो IBPS RRB के पेपर का लेवल होगा, क्वांट का, LR का, GK का या और इंग्लिश का, ये भी अब चेंज होने जा रहा है। इसमें भी आपको चेंजेस कुछ ऐसी देखने को मिलेंगी जिस तरह की रिक्वायरमेंट IBPS RRB को फील हो रही है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों के जो आपके क्लर्क और ऑफिसर्स ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे, तो उनमें हमें ये डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ चाहिए, यानी कि अपग्रेडेशन करने के लिए सिस्टम की। और उस सिस्टम में कौन अपग्रेड हो रहा है? आपका ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम, और उसी के हिसाब से आपका जो रिक्रूटमेंट किया गया है कैंडिडेट, उसकी अपग्रेडेशन, ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ये नया रूल जो है सेक्शनल टाइमिंग का पेपर्स को अटेम्प्ट करने का IBPS RRB एग्ज़ाम्स के लिए लेकर आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आप उसी पैटर्न के ऊपर काम करना शुरू करें। सेक्शनल कट ऑफ के ऊपर, सेक्शनल जो टाइमिंग के ऊपर आपको काम करना ही चाहिए, चाहे सेक्शनल टाइमिंग किसी एग्ज़ाम में लागू हो या ना हो। क्यों? क्योंकि उससे उसका डायरेक्टली, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। जितना ज़्यादा स्पीड से आप अपना काम करेंगे, पेपर अटैम्प्ट करेंगे और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन हॉल की जो हीट है उसको बीट कर पाएंगे और मेरिट में अपना स्थान बना पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो दो चार बातें मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं कि ये रूल IBPS लेकर क्यों आ रहा है, IBPS RRB की मंशा क्या हो सकती है ये रूल लेके आने की, उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को करिए, सो दैट कि हम फाइनल रिजल्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकें। थैंक यू वेरी मच।